ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे YouTube व्यूअर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारा क्लास नंबर 34 का टॉपिक वाइंड अप हो चुका था, जिसके अंदर हमने कमेंट्स की डिटेल यहाँ तक सीख ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 34 तक कम्प्लीट हो चुका था, क्लास नंबर 35 को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है क्लास नंबर 35 के हवाले से वो है ट्रैक चेंजेस। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सेटिंग को। ये ट्रैक चेंजेस है क्या, किस मकसद के लिए, कैसे यूज़ किया जाता है, इस बारे में इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं। ट्रैक चेंजेस बहुत सी वर्किंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है, अपनी मतलब सिक्योरिटी के लिए। आपका काम, आपके काम में इस डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टाइप किया हुआ है, अगर कोई चेंज करे तो उसका चेंज किया हुआ जो काम है वो आपको इस बारे में इल्म हो जाए कि इस शख्स ने इसमें चेंज किया है नहीं किया। आपने जैसे एप्लीकेशन लेटर या कोई भी नोट वगैरह टाइप किया हो और उसके अंदर कोई अगर चेंज करता है तो आपको इस बारे में इन्फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो आए इसकी डिटेल को समझने के लिए, ट्रैक चेंजेस की ये पूरी सेटिंग आ रही है, ट्रैकिंग के नाम से ये पूरा बॉक्स आ रहा है। तो इस बॉक्स की सेटिंग को हम इस पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पर हमने क्लिक किया तो सामने इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शंस के नाम से ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर एक सेटिंग आ रही है इंसर्शंस। इंसर्शंस के मायने यहाँ पर इंसर्ट करना, यानी कि ऐड करना टेक्स्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं वो इंसर्ट का काम कहलाता है, जो भी काम करेंगे। अब हम चाहते हैं इसके अंदर जब ऐड करें तो ऐड करने पर हो क्या, इसके अंदर जब ऐड करें तो उसका जो स्टाइल है वो देखें। मैं यहाँ पहले आपको डिटेल बता देता हूँ। कलर ओनली पे क्लिक करेंगे, सिर्फ कलर आएगा, बोल्ड कर देंगे बोल्ड होगा, इटैलिक कर देंगे टेढ़ा होगा, मतलब तिरछा आ जाएगा इटैलिक, जो कि हमने आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था इटैलिक के बारे में। अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, डबल अंडरलाइन नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दरमियान में जैसे क्रॉस करने के लिए टेक्स्ट को एक लाइन आ जाती है कि पहले ऐसा था और अब ऐसा नहीं, इस तरह की वर्किंग के लिए यूज़ में ला सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगी दरमियान में। अब जो आप इसमें से स्टाइल चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, डबल अंडरलाइन आए इसमें, ठीक है। जब भी कुछ लिखें तो लिखा हुआ तो आएगा लेकिन उस पर डबल अंडरलाइन का स्टाइल आएगा, लेकिन कलर कौन सा हो, हम जाते हैं कलर इसमें होना चाहिए फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। डिलीशंस, डिलीशंस से मुराद जब भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी शख्स किसी वर्ड को चेंज करना चाहे, मतलब डिलीट करना चाहे, डिलीट करेगा तो वो डिलीट नहीं होगा। डिलीट अगर यानी कि डिलीट करना चाहे डिलीट ना हो तो फिर कौन सा स्टाइल आए। अगर देखें यहाँ पर कलर पे वही सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें चंद एक ऑप्शन मजीद ऐड किए हुए हैं जैसे हिडन, जैसे वो डिलीट करे वो डिलीट तो नहीं होगा लेकिन वो ऐसा होगा कि छुप जाएगा। हिडन पे क्लिक करने से क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। बज़ाहिर उसकी वर्किंग के उसे ऐसा फील होगा कि जैसे ये डिलीट मैंने किया है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। बाकी ये देखें कैप बनी हुई आ रही है, हैश का साइन आ रहा है, जो भी आप चाहें इनमें से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूँ यहाँ से ये जो स्टाइल होना चाहिए, सपोज़ कर लें स्ट्राइक थ्रू दरमियान में एक यानी कि लाइन आ जाए, ठीक है। कलर कौन सा हो, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं रेड कलर आ जाए, जैसे डिलीट करने पर दरमियान में ये एक स्टाइल उसके ऊपर इस स्टाइल की एक लाइन आ जाएगी और उसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। चेंज्ड लाइन, लाइन के अंदर किसी किस्म का काम चेंज किया जाए तो फिर क्या हो। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर किसी वर्ड के अंदर कुछ एडिट करते हैं, जैसे प्रोवाइड्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं बीच में मामूली सा स्पेस दे देता हूँ। कोई शख्स अगर हमारे डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाह रहा है या गलती से चेंज हो जाता है, उसमें इस ट्रैक चेंजेस का यह फ़ायदा, यह सब चीज़ें आपको हाईलाइट कर देगा कि इसमें ये चेंज किया गया है, ठीक है। तो कहने का मकसद, प्रोवाइड्स के दरमियान में कहीं भी स्पेस किसी ने दे दिया या कहीं कॉमा डॉट प्रेस कर दिया या उसमें से हटा दिया या एंटर करके यानी कि जहाँ पे कर्सर था टेक्स्ट को एंटर करके काट के एक लाइन से दूसरी लाइन में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह की तमाम वर्किंग के लिए जो भी इस तरह का वर्क किया जाए, मामूली सा भी चेंज किया जाए तो उस क्या होगा, कहा जा रहा है आउटसाइड बॉर्डर, इसके बॉर्डर के स्टाइल आ जाएंगे आउटसाइड पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट तो लेफ्ट की जानी बॉर्डर का स्टाइल आएगा, और राइट कर देंगे तो देखें ये लाइंस आपको दिख रही हैं, ये राइट की जानी पे बॉर्डर का स्टाइल आ जाएगा। जो भी आप चाहें स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये कलर इसका ऑटो एडजस्ट हो जाता है कलर, यहाँ पर जैसे कि आई थिंक मुझे रेड ही दिख रहा है यहाँ पर। तो बाकी ये जो डिटेल है सेटिंग को आप वैसे ही रहने देंगे, आपने इसको चेंज नहीं करना। एक और सेटिंग आ रही है ट्रैक फॉर्मेटिंग। ट्रैक फॉर्मेटिंग ये क्या है, ये चीज़ के लिए होता है, दरअसल फॉर्मेटिंग कहा जाता है जो भी टेक्स्ट के ऊपर हम डिज़ाइन और स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हैं, या फॉर्मेटिंग का अमल कहलाता है, ठीक है। सपोज़ कर लें बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कलर चेंज करते हैं, साइज़ को कम ज़्यादा करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना और इसके अंदर अंडरलाइन देना, इस तरह की सारी वर्किंग क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग का अमल कहलाता है, ठीक है। हम जाते हैं जो फॉर्मेटिंग का अमल आ रहा है तो उसके अंदर जो भी इस तरह का स्टाइल अप्लाई किया जाए तो उसके ऊपर डिज़ाइन कौन सा उसका हो, हम जाते हैं इसका डिज़ाइन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
डबल स्ट्राइक थ्रो, या हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल बोल्ड हो जाए, ठीक है, चाहे कोई काम भी किया जाए लेकिन वो बोल्ड स्टाइल में हमें दिखेगा, लेकिन कलर कौन सा हो, हम चाहते हैं कलर उसका होना चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ से पिंक कलर आ जाए, ठीक है। तो ये थी सेटिंग इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से, जो कि मैंने आपको इस बारे में बताया समझाया। अब आए फिर मैं इसको शॉर्टकट में आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ। इंसर्शन के मायने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड करना, किसी शेप को, किसी पिक को या किसी टेक्स्ट को ऐड करना, और उसके ऊपर अगर टेक्स्ट ऐड करेंगे तो फिर स्टाइल ये आएगा और कलर इसका ब्लू हो जाएगा। डिलीशन, जब इसमें से किसी टेक्स्ट को डिलीट किया जाए तो स्टाइल ये आएगा और कलर रेड हो जाएगा। लाइन में किसी किस्म का काम चेंज किया जाए तो उसके राइट बॉर्डर की जानब, यानी कि राइट जानब उसके बॉर्डर के स्टाइल आपको दिखेंगे। बाकी सेटिंग आपने सेम रहने देनी है, इसमें चेंज नहीं करना। ट्रैक फॉर्मेटिंग के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, ट्रैक फॉर्मेटिंग के इस सेटिंग पर हमने क्लिक किया है। हम चाहते हैं जो भी फॉर्मेटिंग की डिटेल मैंने आपको बताई थी उसमें से जो काम भी चेंज किया जाए तो क्या करें, उसको बोल्ड कर दे, और कलर कौन सा शो करे, पिंक कलर शो करे। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, सेटिंग हमने सेट की है, फिर अगेन ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आए उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक किया, फिर हम देखना चाहते हैं जो सेटिंग हमने सेट की थी वो सेटिंग सेट हुई है। बाज़ औक़ात सही तरीके से क्लिक नहीं होता तो वो सेटिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाती, तो एडवांस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। देखिए हमने ब्लू और रेड कलर रखा था, जो जो सेटिंग सेट की थी तकरीबन वो हमें यहाँ सेट हुई हुई दिख रही है, और फॉर्मेटिंग के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर बोल्ड और हमने पिंक कलर रखा था, ठीक है, ओके देन ओके। अब उसके बाद ये सेटिंग हमारे यहाँ तक हो चुकी है, ठीक है। अब बात यह है कि इसके अंदर अगर हम किसी काम को चेंज करेंगे, मैं देखें यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये चेंज हुआ है, लेकिन इसमें कोई कलर वगैरह नहीं दिख रहा, वो जो रेड लाइन आ रही है स्पेलिंग मिस्टेक है। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने इस बारे में आपको यानी कि गाइड किया था, लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर हमने जो काम किया है उस काम के ऊपर ये कलर्स आने चाहिए थे जबकि ये नहीं आ रहे, तो फिर क्या करेंगे। अब सेटिंग को हमने वहाँ से सेट किया, अप्लाई करने के लिए इसमें ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ट्रैक चेंजेस, आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखें ये सिलेक्शन हाईलाइट कर रहा है ऑप्शन को, ये सिलेक्शन आ गई यानी कि हाईलाइट हो रहा है ये ऑप्शन, मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके ऊपर कलर्स वगैरह में दिखेंगे, फिर भी दिख नहीं रहे, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करें, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ऑल मार्कअप, तो फिर क्या होगा, देखें जो हमने उसमें ऐड किया था, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं ऐड करूँ, जो ऐड कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह है, जो भी स्टाइल वगैरह था, जैसे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और ब्लू कलर उसका आना चाहिए इंसर्ट करने पर, तो ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी एरिया की सिलेक्शन लेकर अगर उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, देखें डिलीट का बटन मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये डिलीट नहीं हुआ, जबकि उसके ऊपर जो हमने सेटिंग अप्लाई की थी वो सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर मामूली सा स्पेस दे रहा हूँ, देखें यहाँ पर कहीं लाइन वगैरह नहीं आ रही, मैं मामूली सा स्पेस दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है लाइन के अंदर चेंज हो रहा है। जो भी काम इस डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे, किसी किस्म का काम चेंज करेंगे, चेंज करने पर क्या होगा, साइड पर एक लाइन आ जाएगी, राइट बॉर्डर आए यानी कि राइट की जानब बॉर्डर आए, तो राइट की जानब देखें एक बॉर्डर आ चुका है। चाहे वो आप कोई भी काम चेंज करें, अगर इंटर करके टेक्स्ट को ऊपर से काट के नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं जब भी, यह सेटिंग है। अब मैं चाहता हूँ मैंने सीरी की सिलेक्शन ली, होम मेन्यू पर आप आ जाएं, चाहें तो यहाँ से फ़ोन का स्टाइल आप चेंज करें, लेकिन क्या हुआ, जब भी हमने फ़ोन का स्टाइल अप्लाई किया तो क्या हुआ, फ़ोन का जो नाम था वो यहाँ पर शो हो गया और उसके ऊपर वो बोल्ड की सेटिंग उसने अप्लाई कर दी पिंक कलर के साथ, ठीक है। अगर मैं किसी को इटैलिक करूँगा तो वो इटैलिक तो होगा लेकिन साथ में क्या हुआ, बोल्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें हमें इस बारे में सारी ये डिटेल जो थी हमने अप्लाई की वो हो गई, कलर चेंज करें, जो भी काम करें, सारी डिटेल मैंने आपको इस बारे में गाइड किया। अब बात यह है कि जो काम हमने इसमें चेंज किया था वो काम चेंज हुआ, फिर रिव्यू मेन्यू में आ जाए। मैं दरअसल वो होम मेन्यू में इस वजह से गया था कि कुछ सेटिंग अप्लाई करके बतानी थी आपकी आसानी के लिए। तो देखें अब रिव्यू मेन्यू पर आएंगे तो अब बात यह है कि इस पॉइंट पर क्लिक किया, सिंपल मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, चंद एक बॉर्डर के जो स्टाइल है वो हमें दिख रहे हैं, बाकी देखें जो ऐड किया था टेक्स्ट वगैरह तो वो हमें दिख रहा है, बाकी चंद एक चीज़ें नहीं दिख रही। लेकिन अगर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे, जो जो सेटिंग हमने जिस तरह की अप्लाई की थी उसमें चेंज करने के बाद सारी की सारी सेटिंग वहाँ पर अप्लाई होती हुई इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, नो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे तो जो उसके कलर्स और कुछ स्टाइल वगैरह थे वो हाइड हो गए, और फिर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हम चाहते हैं कि जब किसी भी शख्स ने इसमें चेंज किया है, जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था जैसी ओरिजिनल कंडीशन थी वैसी इसकी ओरिजिनल कंडीशन आ जाए, तो उसके लिए फिर आप ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी इसमें टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश की गई, डिलीट करने की कोशिश की गई, जो काम चेंज करने की कोशिश की गई वो सारा का सारा काम फ़िलहाल हाइड हो जाएगा और ओरिजिनल फाइल पहले की कंडीशन में हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो खैर ये एक सेटिंग है इसकी, अब जो आप चाहें इनमें से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूज़ में ला सकते हैं। लिखा हुआ आ रहा है शो मार्कअप कमेंट, ये कमेंट आपने पढ़ा था, जैसे हमने कोई कमेंट अप्लाई किया हो, चले मैं आपकी आसानी के लिए एक से कमेंट अप्लाई करके बता देता हूँ। कुछ भी मैंने यहाँ टाइप किया, कमेंट अप्लाई किया, देखें यहाँ कमेंट हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है,
पहले हाईलाइट कर रहा था, अब यहाँ से चेक हटा देंगे तो हाईलाइट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऑल मार्कअप करेंगे तो कमेंट वगैरह के बारे में भी शो करेगा। अब देखें कमेंट पर चेक लगा दिया, कमेंट को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर, देखें कमेंट यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक हटा देंगे कमेंट, तो कमेंट का ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा। इंक को फिलहाल वैसे ही रहने देंगे। इंसर्शन एंड डिलीशंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिलीट करने से टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है इसमें और जो इंसर्ट करने से हाईलाइट हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से हाइड हो जाएंगे चेक कराने पर। देख रहे हैं ये जो कलर्स वगैरह थे, जो डिलीट किया हुआ था उसके जो कलर्स या स्टाइल थे वो हाइड हो गए, और दोबारा यहाँ चेक लगा देंगे तो शो हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग चेक हटाने पर, जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी यहाँ पर, याद है हमने इटैलिक वगैरह किया था यहाँ पर, और मैं खास से फ़ॉन्ट का ये स्टाइल अप्लाई किया था, तो इस बारे में अगर हम चेक हटा देंगे तो यहाँ से ये स्टाइल गायब हो जाएंगे। मतलब ये सेपरेट सेटिंग दी हुई है, आप चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये सेटिंग थी। बलून्स के नाम से ऑप्शन आ रहा है, शो रिविजन्स इन बलून्स के ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो डिटेल है वो हमें दिख रही है। अब देखें ये बता रहा है माउस ले जाने पर हाईलाइट कर रहा है 3 मिनट्स आगो, 3 मिनट पहले, और ये 2 मिनट पहले, मतलब इसमें ऐड किया गया था इस कमेंट को, जो भी मतलब डिटेल को चेंज किया गया था। तो यहाँ पर आएंगे इस पॉइंट के अंदर, फिर इसमें बलून्स के ऑप्शन पर आएँ, शो और रिविजन इन बलून्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी डिटेल माउस लेके जाएंगे तो देखें स्क्रीन टिप कहलाती है। लिखा हुआ रहा है यूज़र नेम क्या है, आमिर शेर, डेट वगैरह आ रही है, टाइम आ रहा है, इंसर्टेड बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें इंसर्ट किया गया, दाखिल किया गया, और यहाँ पर माउस लेके जाएँ तो यहाँ पर इस बारे में भी यानी कि डिटेल बता रहा है कि यह भी इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पर माउस लेके जाएँ तो देखें लिखा हुआ रहा है डिलीटेड यानी कि डिलीट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि क्या किया था, इटैलिक किया गया था, और यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे एंड में यानी कि इसको क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है, ठीक है। फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ आ रहा है बी बोल्ड यानी कि बोल्ड किया गया। तो खैर ये एक सेटिंग थी जो मैंने इस बारे में आपको गाइड किया। अब बात यह है कि यहाँ तक तो ये हमारी डिटेल कंप्लीट हुई। लिखा हुआ रहा है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स, क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन पर, जो कमेंट होंगे वो शो होंगे यहाँ साइट पर, और जो बलून्स होंगे वो शो होंगे, ठीक है। कमेंट पर चेक लगा दें, देखें कमेंट भी आ जाएगा, दरअसल यहाँ से हमने इसको अनचेक किया हुआ था। तो ये इसकी डिटेल थी जो इस बारे में मैंने आपको बताया, समझाया, गाइड किया। तो यहाँ तक ये हमारी डिटेल कंप्लीट हुई। अब इसमें लास्ट ऑप्शन है इस टॉपिक का, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो अब जो सेटिंग आप जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। फिलहाल मैं इस पॉइंट पर क्लिक करके, बलून्स के ऑप्शन पर क्लिक करके, शो और रिविजन्स इन लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि सारी डिटेल उसके अंदर सामने यहाँ दिखे। बाकी रिमेनिंग पेन वर्टिकल के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो सामने देखें यह साइड पर एक बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर डिटेल आ रही है, बताया जा रहा है कि इंसर्टेड यानी कि दाखिल किया गया, डिलीटेड जो भी काम है सारा ये लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं डिलीटेड ये लिखा हुआ आ रहा है। बाकी ये डिटेल आ रही है, क्लोज़ कर देंगे क्लोज़। अगर आप चाहें यहाँ क्लिक करके कंट्रोल स्क्रॉल से, आप चाहें स्क्रॉल रूलर से जूम बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कीबोर्ड से स्क्रॉल रूलर का जो व्हील है यानी कि आप माउस से इसको मूव करेंगे तो ये यहाँ पर अप और डाउन जूम यानी कि जूम इन और आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं पढ़ने के लिए, चेक करने के लिए। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, रिवनिंग पेन हॉरिजेंटल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर डेट और टाइम भी मेंशन हो रही है। आप इसमें भी चाहें कंट्रोल स्क्रॉल रूलर, कंट्रोल कीबोर्ड से स्क्रॉल रूलर माउस से आप इसे यूज़ करेंगे तो देखें सामने यहाँ पर ये डेट और टाइम आ रही है। इंसर्टेड क्या क्या दाखिल किया गया, वो जो भी था, जो भी वर्ड था मैंने सिंपल वैसे ही ऐड किया, उसमें यहाँ डेट और टाइम आ रही है। इस तरीके से कमेंटेड जो कमेंट टाइप किया गया था, और इस तरीके से इंसर्टेड जो जो काम किया गया है वो डेट और टाइम के साथ यहाँ पर मेंशन कर रहा है सारा, इस बारे में इसकी डिटेल यानी कि बता रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, यहाँ तक वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के वाले से हम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, अब इसके अंदर जो इसमें चेंज हुआ है इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे या रिजेक्ट कैसे करेंगे, इस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।